के खुद के ऐसे दिल पे हाथ रखना, आंख बंद करना और पूछना कौन गलत है, पूछना किसका इन्फ्लुएंस गलत है। अगर तू सुधर गया ना, मैं कह रहा हूँ तेरे 2.6 2.7 जितने मिलियन लोग हैं तेरे भाई, एक अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा उन्हें। प्लीज़ सुधर जा भाई, गियर्स पहन प्रॉपर, ये बकचोदी मत कर एक्सप्रेस हाईवे पे। 310 मार के तुमने भारत रत्न नहीं जीत लिया है, तुम्हारी वजह से यूट्यूब पे 310 310 चल रहे हैं। यही चुतियापा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं तब से यूट्यूब पे, लोग तो समझने को राजी नहीं है। कमेंट सेक्शन में लिख रहे तू मार के दिखा। अरे भौसड़ी के, तुझे क्या लगता मैं नहीं मार सकता? पर मारना क्यों है तुम्हें? ऐसी कौन सी किक मिल रही है? ये बच्चों वाली इमेच्योर हरकतें जो तुम कर रहे हो ना, कि भाई 300 मार के तुम्हें लग रहा तुमने झंडे गाड़ लिए, इसकी वजह से लोगों को पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ रहा, उस चीज को समझ। समझ आ रहा है? बकवास करा लो इससे दिन भर, बस दिन भर बकवास करवा लो इससे। व्हाट्स अप गाइस, दिस इज वेरियन मैनल फॉर। आप लोग मुझे सुबह 4 बजे कॉल किया, रात को 12 बजे 1:30 बजे मैसेज इंस्टाग्राम में हर जगह की, भाई आमिर ने रॉ क्लिप डाल दिया, वीडियो देखो। भाई मेरे पास ज़िंदगी में और भी काम है उस जूते की वीडियो देखने के अलावा, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, मैं अपने मन से ये सब कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को सच का पता चले, आप लोगों को पता चले कि वो कितना घटिया कितना नीच इंसान है। मैं इसलिए नहीं डाल रहा कि भाई रात को 1 बजे भी तुम मुझे मैसेज करोगे तो मैं 1:30 बजे तुम्हारे लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? ऐसा नहीं होता है। वो इसलिए था कि भाई सच दिख जाए सबको कि सच में हो क्या रहा है, वो बंदा वहाँ क्यों नहीं रुका। जिन जिन लोगों ने सूरज भाई की वीडियो देखी, उसमें सूरज भाई ने क्लियरली बोला है कि विद इन 5 मिनट्स ऑफ द क्रैश आमिर को पता चल चुका था कि क्रैश हो गया है। तो वो कोई भी नॉर्मल इंसान, जैसे एच के भाई ने भी बोला तक 5 मिनट में पहुंचे थे। 5 मिनट में आमिर को ये चीज जब पता चली कि पीछे क्रैश हो गया है, तो आमिर आगे क्यों किया? वो तो रॉन्ग साइड। उस टाइम आदमी ये क्यों सोचेगा कि मुझे रॉन्ग लेना है कि नहीं लेना है? उस टाइम आदमी रॉन्ग लेगा, फटाफट वहां पे पहुंचेगा। कि वहीं से रॉन्ग साइड से यू टर्न लेके वापस जाता, बट वो नहीं गया। क्यों नहीं गया? पहला क्वेश्चन जो सूरज भाई भी ये पूछ रहे हैं। दूसरा, तुम अगर इतने क्लोज थे, इतना साथ रह रहे थे, घर पे रह रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, तो उनके फैमिली को मिलने क्यों नहीं गए? दूसरा, से बात करके कि आमिर पहले जिस होटल पे रुका था, पहले तो एक्सीडेंट होने के बाद जब सब होटल पहुंचे रात के 12 बजे के बाद से उसका किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है अभी तक। उसका फोन नहीं उठ रहा, उसका फोन लग नहीं रहा, किसी से कोई कांटेक्ट में नहीं है वो बिल्कुल। सैमी की आमिर से बात हो रही थी, सैमी ने उससे कहा कि अपनी फुटेज दिखाओ शायद कुछ मिल जाए, तो उसने कहा कि यार अभी नहीं, अभी थक गए, कल आके देख लेना सुबह। फिर अगले दिन क्या होता है, सुबह जब सैमी उसके होटल जाता है तो पता चलता है कि आमिर वहां पे 10:30 बजे रात में ही चेकआउट कर चुका है। आमिर ने यह बात किसी को नहीं बताई, समझे? तो ये चीज भी है। तुम बोल रहे हो कि तुमने रॉ क्लिप डाल के भाई अपना हाथ झाड़ लिए कि भाई मेरी तो गलती नहीं है। तुम्हारी गलती ये है कि तुमने उसको प्रवोक किया, तुम्हारी गलती ये है कि तुम्हारी वजह से उसने 300 मारने का सोचा, जो तुम खुद देख सकते हो। अब रॉ क्लिप कितनी सही आई है प्रो राइडर की, जो गोप्रो से आई है, वो या गलत है वो मैं नहीं कह सकता, बट उसमें 294 तक ओडो पे रीडिंग गई है, और 294 के टाइम भी तुम उससे आगे चल रहे हो, तो तुम अपने पीछे तो अंदर घुसना पड़ रहा है। स्पीड कैसे कर सकता हूँ, तुम किस स्पीड पे दे, ठीक है? पहली चीज ये। दूसरी चीज, मैं अपनी डे वन वाली वीडियो से यही बोल रहा हूं कि मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा आमिर, मैंने नहीं बोला कि तुम्हें बाइक टच हुई, अगर तुम्हें बाइक टच होती तुम ही नहीं बचते, ठीक है? जिस स्पीड पे था या जो भी था, तुम्हें बाइक टच होती तो तुम भी नहीं बचते,
तो बहुत ही क्लियर सिंपल है, इतनी तो हमने भी बाइक चलाई है भाई 8 साल से, जब से तू KTM चला रहा ना तब से मैं R1 चला रहा हूँ, तो मेरे को तो ज्ञान मत देना इस बारे में। तेरे को टच नहीं हुई वो मैं मानता हूँ, पर कुछ तो इसमें फिशी है, देर इज समथिंग इन इट जो तू लोगों को सच नहीं बता रहा। तूने रातों रात होटल क्यों चेंज किया? तू किसी का फोन क्यों नहीं उठा रहा? या तो तेरी बहुत ही फट गई भाई देख के, कि मतलब तेरे अंदर का सारा मर्द भाग गया। इस टाइम पे तो सारे दुश्मन भी आके मदद करते हैं, मैं तेरे को सच बता रहा हूँ, इस टाइम पे दुश्मन भी जाके मदद करते हैं दूसरे की भाई ऐसी हालत है, पर तू वहां रुका नहीं, तूने सबको फोन किया कि भाई साथ चलो। तो मैं मान नहीं सकता इसमें कि भाई कुछ ना कुछ तो झोल है भाई, ये चीज तो तूने खुद ही क्लियर कर दी है। ठीक है, वहां रुक जाता तो क्या पता चीजें अलग होती। मैं मानता हूँ अंगस्ता भाई नहीं बचे, क्योंकि ऑन स्पॉट डेथ हो गया बिकॉज हेलमेट ब्रेक हो गया, टूट गया, जो अंकल जी ने भी दिखाया। बट भाई इतना तो लाइफ का एक्सपीरियंस है भाई, कुछ तो गलत है, कुछ तो है इसमें जिसकी वजह से तूने रातों रात होटल चेंज कर लिए, तूने लोगों से बात करनी बंद कर दी, तूने फोन उठाना बंद कर दिया। देख सदमा लगता है एक दोस्त के जाने पे, मैंने भी दोस्त खोया है, मुझे पता है कैसा लगता है। ठीक है, हो सकता है सदमे की वजह से हो, बट मैं फिर भी नहीं मानता कि तूने होटल क्यों चेंज किया। मैं नहीं मानता कि 5 मिनट का रास्ता था वापस जाने का, तेरे को 5 मिनट पचल गया, तूने अपनी वीडियो में बोला 30 किलोमीटर आ गया है, तू क्यों वापस नहीं गया? क्योंकि तुझे क्रैश के टाइम पता चल गया था कि इतना गंदा क्रैश हुआ है, इतना ब्रूटल क्रैश हुआ है कि बहुत ही चांसेस कम है बचने के। तू मान ना मान, ठीक है ये सच है। दूसरा देखो, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, पुलिस के पास GoPro आ गया है, कैमरा भी मिल गया है, इंस्टा भी भगवान करे जल्दी मिल जाए, सच तो बाहर आना ही आना है, सच छुप ही नहीं सकता। बट जो ये तू हरकतें कर रहा है छुप छुप के, वीडियो जूम कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो गलत कर रहा है, वो मत कर। देख एडिटिंग हमें भी आती है, तुझे भी आती है, तो ठीक है पूरे फ्रेम को मैं भी जूम इन कर सकता हूँ, पूरे फ्रेम को तू भी जूम इन कर सकता है। तो ये वाला ज्ञान कि भाई रॉ क्लिप है, रॉ क्लिप भी तुम क्लिप खोल के दिखा रहे हो कि भाई ये रॉ है, इसमें कुछ कट नहीं है, तो भाई एडिट करने के बाद भी अगर तू उसको प्ले करेगा तो वो रॉ क्लिप ही होगी, वहाँ चीज़ें क्लियर हो सकती हैं, पर वो तो पुलिस स्टेशन निकलवा ही लेगी, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आज की तारीख में कोई इतना बड़ा वो तोप की बात नहीं है कि भाई तेरे से वीडियो निकालना, तू बड़ा कहीं का प्रिंस लगा। पर भाई दिल पे हाथ रख के एक दिन सोचना कि जो तू उस टाइम पे रुक जाता तो क्या डिफरेंस आता। ठीक है, इंसानियत की बात है ये, दो आंसू बहाने से तुम दोस्त नहीं होते। तूने अपने ब्लॉग में बोला मैं क्या कितना ही मिला हूं, कितना ही जानता हूं, 1 महीने से ही साथ थे, क्या ये रीजन था जिसकी वजह से तू नहीं रुका? 1 महीने से साथ थे तो उसके घर पे रहा है, तो उसके माता पिता से मिला है, तूने उनके घर पे खाना खाया है। अबे कुत्ता भी अगर एक जगह खाना खाता है ना तो दूसरी जगह वहां दुम मिलाता, दोबारा आके प्यार दिखाता है। तू वहां तक नहीं गया दोबारा यार, जहां पे उस बंदे का एक्सीडेंट हुआ उस टाइम गया था तू बाद में, वो तूने प्रूफ किया क्योंकि तुझे प्रूफ तो दिखाना ही है। पर मैं सच में चाहता हूँ कि सच बाहर आए, मैं सच में चाहता हूँ कि Insta360 मिल जाए, मैं चाहता हूँ कि CCTV कैमरा आउट हो, कि सच पता चले कि भाई प्रॉब्लम क्या है, कि बात कहाँ पे आई है। तू ये चीज़ें जस्टिफाई नहीं कर पाएगा अपने ब्लॉग में क्योंकि तुझे पता है कि तू गलत है। मैं चाहता हूँ कि तू गलत ना हो, मैं खुद बोल रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि तू गलत ना हो, बट कहीं ना कहीं भाई एक गट फीलिंग होती है जिसकी वजह से पता है कि कुछ बात तो है जो तू छुपा रहा है। अदरवाइज बाकी सारे ब्लॉगर्स तेरे अगेंस्ट क्यों हो गए, जिनके साथ तू रह रहा है, जिनके साथ तू घूम रहा है, जिनके साथ तू पिछले 4 दिन से वहां पे था, ब्लॉग कर रहा था, शूट कर रहा था, सारे के सारे भाई लोग यही क्यों बोल रहे कि आमिर ने फोन उठाना बंद कर दिया, आमिर किसी रिप्लाई नहीं कर रहा, आमिर ने सैमी जब वहां पहुंचा तो अपना होटल चेंज कर लिया, इन सब की जरूरत क्यों पड़ी तुझे आमिर, इस सब की जरूरत क्या है? नहीं है, तू उसके घर चला जाता यार उस टाइम पे, यू शुड हैव गॉन टू देयर हाउस फर्स्ट। की मैं अकेला ऐसा इंसान हूँ जो उस टाइम पे उसके साथ था, मैं अकेला वैसा इंसान हूँ जो आगे तक राइड पे गया था, मैं अकेला वो इंसान हूँ जो वहां पे उसको छोड़ के भाग गया, ये तुझे उसके पेरेंट्स को जाके बताना चाहिए। पर नहीं, तुम्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता यार, तुम्हें तो मैं क्या ही बोलूं भाई, तुम्हारे साथ तो मेरा कोई दुश्मन नहीं है आमिर माजी, ठीक है, पर जो चीज गलत है वो चीज गलत है। लोगों को सच जानना बहुत जरूरी है बिकॉज लोग अगस्ता भाई से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। पहली चीज तो ये है कि आमिर उसको लेके गया था, दो ही बंदे साथ में थे वहां, बाकी सब लौट रहे थे, सब लौट आए थे, वो दोनों अलग हो चुके थे। आमिर और वो साथ में चल रहे थे, आमिर ने भी अपना वीडियो डाल दिया पूरा,
जाहिर ने भी अपना वीडियो डाला पक्षर का। खैर जाहिर ने प्रॉपरली इस चीज को डिस्क्राइब किया कि हम लोग अलग आ गए थे, हम लोग ने तो कुछ बनाया ही नहीं था, हमें तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था जी। करते थे नहीं लोग, अगस्ता भाई से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और ये बहुत गलत हो रहा है जो हो रहा है। देख आज पहली फुटेज आ गई, सेकंड फुटेज भी आ ही जाएगी, तो भाई इतने कोई दूर की वो नहीं है कि भाई एक दो महीने बाद बात पता चलेगी और एक दो दिन में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं चाहता हूँ तू गलत ना हो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बट जो तू वहाँ नहीं रुका, जो तू लेट गया वहाँ पे कि भाई मैं सबके साथ जाऊँगा, वो तूने बहुत गलत किया, वो इंसानियत के खिलाफ है, वो इंसानियत के खिलाफ है, ऐसी चीज़ें मत करा कर। मेरे को नहीं पता तूने अपनी रॉ क्लिप में तूने क्या एडिट किया क्या एडिट नहीं किया, भाई सब एडिटिंग है भाई, सिंपल एडिटिंग है, हर इंसान को आता करना ठीक है, पर जो तूने किया वहाँ ना रुक के वो बहुत गलत किया भाई। तू खुद बोल रहा ना ऊपर वाला है, ऊपर वाला है तुझे, ऊपर वाले ने उस मुकाम पे पहुँचाया है कि तू आज इतनी बकचोदी कर पा रहा है, तो ऊपर वाला है, ये चीज़ याद रखना आमिर, ऊपर वाला है, वो दिखाएगा भाई सच। और अगर उस सच में दिख रहा है कि भाई क्रैश हो रहे हैं और तू सामने दिख रहा है और तू फिर भी नहीं रुका, तो भाई इंसानियत की मौत है, ये इंसानियत की मौत। पुलिस वालों का देखो, पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं। तो जनपद अलीगढ़ पुलिस को थाना टप्पल क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक का एक्सीडेंट से यमुना एक्सप्रेसवे पर डेथ हो गई है, और इस संबंध को इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए छानबीन की गई, तो पाया गया कि यह युवक देहरादून का रहने वाला अगस्त चौहान है, जो कि वीडियो लॉगिंग करता है और अक्सर 300 प्लस की स्पीड को हिट करने का टारगेट अपने वीडियो में दर्शाता है, जिसको लोग जो हैं रोचक रूप से इंटरेस्ट लेते हुए उन वीडियोज़ को देखते हैं। इस संबंध में यह भी पता चला कि इनके द्वारा एक वीडियो बॉडी वॉर्न कैमरा पहना गया था, जिसको अथक प्रयास से पुलिस द्वारा आसपास छानबीन करके निकाला गया है, और उस कैमरे में यह पता चला कि इनके द्वारा 294 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड घटना के कुछ देर पहले जो है वो हिट की गई थी, जो उसमें दर्शाई गई है, और इस संबंध में अभी भी पुलिस की जांच आगे जारी है। ये अगली क्लिप में तुम खुद देखो पुलिस की तरफ से क्या वीडियो आउट हुई है। मैं डे वन पे अपनी वीडियो से और आज तक अपनी वीडियो में सिर्फ यही बताता आया हूँ कि जो चीज़ गलत थी वो था तेरा इन्फ्लुएंस, जो चीज़ गलत थी वो था तेरा साथ, जो चीज़ गलत थी वो थी कि तेरी वजह से भाई प्रोवोक हुआ 300 मारने के लिए, जो चीज़ गलत थी कि उस पॉइंट से आगे इसलिए गए क्योंकि फन कंप्लीट नहीं हो रहा था, वो फन का मतलब था 300 करना, तेरी गलती है, तेरा इन्फ्लुएंस है, तेरा इन्फ्लुएंस है जो ये सब बच्चों पे पड़ रहा है। अगस्ता भाई कोई बहुत ही 25-26 साल के नहीं थे, 22 साल का छोटा सा लड़का था यार, और ये तो 22 साल का लड़का, मैंने तो साइकिल वाले चलाते हो जब तेरे होमवर्क टाइम पे नहीं करते उन लोगों को देखा तेरे लिए पागल होते हुए। तो वो लोगों के हाथ में जब सुपर बाइक आएगी, उन लोगों के हाथ में जब KTM आएगी, तो वो लोग क्या करेंगे। तो भाई तू समझ नहीं पा रहा तेरा इन्फ्लुएंस कितना खराब जा रहा है दुनिया पे, अपनी हरकतें सुधार ले। अगली क्लिप में तू खुद देख यार, हाईवे से वापस जा रहा, व्हीली मारता हुआ जा रहा है एक्सप्रेस हाईवे पे व्हीली मारता हुआ जा रहा है, तेरे बाप की सड़क है, दहेज में मिली थी तुझे। फिर कहता है कि सेफ राइडिंग रिस्पॉन्सिबल राइडिंग, चड्डी बनियान बिकनी पहन के चला अगली बार से ना तू बाइक, बकवास करा लो इससे, बस सेफ राइडिंग प्रमोट करते हैं, न्यूज में आते हैं, न्यूज में आके बकचोदी करते हैं। मैं पहले स्टंट करा करता था, अब मैं स्टंट नहीं करता। अबे यार
ज्यादा बस भाई, मेरा हेलमेट ना काम नहीं कर रहा, भूल गया था सब खोल के। सूरज जाहिर और ये मेरा चनकी हरीश भाई को आपस में कोऑपरेट करना होता है ना, जब हम दो बंदे रहते हैं तो आगे पीछे देखते रहते हैं कि दूसरा बंदा कहाँ रह गया। आमिर उस तक क्यों नहीं पहुंचा पहले? बिकॉज अगर कोई चीज पीछे क्रैश हो रही है तो हमें पता चल जाती है कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। और अगर उसे अकेले ही यही करना था तो अगत्सा को क्यों ले गया था? अगर वो 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर आगे निकल के भागना था तो अगत्सा को साथ क्यों ले गया था? दो राइडर के जाने का मतलब क्या होता है? कि आप साथ में रहो, और अगर साथ में था तो आमिर वहां पहुंचा क्यों नहीं? जैसा कि पूरा सिनेरियो था, मुझे पता चला आमिर ने सबसे पहले हिराक भाई को फोन करा कि घर वाले भी आमिर को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी उसको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो बिल्कुल किसी के कांटेक्ट में नहीं है। और सब ने गोप्रो में भाई पावर बैंक जो उनके साथ था वो लगा रहे थे, बट जो गोप्रो था ना भाई वो ऑन नहीं हो रहा था। तो उन्होंने ना, मैंने लास्ट वाले वीडियो में दिखाया था कि वो एक जगह पे ना अपना गोप्रो निकाल के उसे चार्ज कर रहे हैं, एंड वो हम सबको बोल भी रहे थे। तो मैं पहुंच गया टॉल प्लाजा पे, टॉल प्लाजा पे मैं रुक गया। मेरे पास ना पर्ची पड़ी हुई थी टॉल प्लाजा पे, जो स्लिप कटती है, 6 राइडर्स की स्लिप मैंने कटवाई थी। मेरे को पता था वो दोनों साइड की पर्ची कटी है, एंड उस स्लिप के बिना अगस्ता को क्रॉस नहीं होने देंगे। मैं वहां पे रुक गया, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, अगस्ता भाई नहीं आया। मैंने क्रॉस कर दिया था भाई। जरूरी लग रहा है कि आपसे डिस्कस किया जाए। सबसे पहली चीज, जेवर टोल से 35 किलोमीटर पहले एक्सीडेंट नहीं हुआ था, जेवर टोल से 8.7 किलोमीटर के आसपास एक्सीडेंट हुआ था जब मैं लौट रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो जाहिर ने जो मेरे पास कॉल की है वो 9:55 और 9:56 पे करी हुई है, मतलब 9:45 पे रिकॉर्डिंग बंद हुई। उसके 1-2 मिनट बाद अगर क्रैश हुआ होगा तो जो भी हुआ सपोज मान लेते हैं 9:47, उसके बाद आमिर जो है उसने हिराक को कॉल करी, 1-2 मिनट और मान लेते हैं, ठीक है तो 50 के आसपास चलो ले चलते हैं। हिराक ने कॉल की जाहिर को, 1 मिनट और मान लेते हैं, तुरंत कॉल की होगी तो 1 मिनट का डिफरेंस तो लग ही जाता है। 1 मिनट के बाद जाहिर ने मुझे कॉल की, मतलब कि 9:55 पे मेरे पास कॉल आई, 9:45 तक की रिकॉर्डिंग है, 10 मिनट के अंदर का सारा खेल है, समझिएगा आप। हम मानते हैं कि एक्सीडेंट जो हुआ है वो 9:46 से लेके 9:51 के बीच में ही हुआ है, सिर्फ 4 या 5 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। 4 या 5 मिनट के डिफरेंस के बीच में आमिर को पता चल चुका था कि एक्सीडेंट हो चुका है, तभी उसने बताया, ठीक है। 5 मिनट का डिफरेंस में उसने क्या कहा है वीडियो में कि भाई पीछे एक्सीडेंट हो गया, मैं बहुत आगे निकल आया था। हाँ बोलो, आगे निकल गए, क्या हुआ भाई? तो कैसा अभी वो? अभी मालूम नहीं भाई, मैं आगे निकल गया था, बहुत ज्यादा आगे आ गया था भाई। अगर कुछ लोग जो है उस चीज को गलत समझ रहे हैं तो भाई मेरे पास पूरा फुटेज है, जब अगस्ता भाई का एक्सीडेंट हुआ ना तुम वहां पे रुके, तो भाई तुम इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हो? अगर किसी बंदे का एक्सीडेंट हो रहा है, जो बंदा मेरे साथ रह रहा है भाई, अगर वो मेरे साथ रह भी नहीं रहा होता, मैं अगस्ता के साथ मिले हुए 1 मंथ भी नहीं हुआ था। उसने सारे राइडर्स का इंतजार क्यों किया कि सब आ जाए तो हम जाए अगस्ता के पास? ये दो चीज बहुत नोटिसेबल है। ये चेक मारो यहाँ पे, ये वाला मैंने ऐसे जूम करके डाला था, एंड ये आप एक बार फिर से देख लो फुटेज को अच्छे से, मैं रिपीट पे डालूंगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे आप मिरर्स देख पा रहे होगे, ये वाला मिरर दिख नहीं रहा है, ये वाला मिरर आप देख पा रहे होगे, इस वाले मिरर में कहीं पे भी अगस्ता भाई जो है वो नहीं दिख रहे हैं, एंड थोड़ा सा और आगे करके ये वाला आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे भी नहीं दिख रहे हैं, एंड अभी स्पीड है 180। तो मैंने उसी टाइम फोन निकाला, मैंने अगस्ता भाई को कॉल किया, अब तो आगे से बंदे ने फोन उठाया, उन्होंने कहा कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया, आप जल्द से जल्द पहुंच जाओ। मैंने कहा एक्सीडेंट हो गया, कैसे एक्सीडेंट हुआ? कहते हैं कि भाई गिर गया है बाइक से, एक्सीडेंट हुआ है, एंड आप आ जाओ। उन्होंने मेरे को सर इतना से इतनी सी बात बोली, और मैंने फोन काटा, मैंने फोन किया आगे, मैंने कहा कि सारे के सारे भाई रुक जाओ, वहीं पे रुक जाओ, वहीं से यू टर्न ले लो, अगस्ता भाई का एक्सीडेंट हो गया। मैंने टोल प्लाजा क्रॉस किया था स्लिप दिखा के, मैंने वहां से आगे सीधा स्ट्रेट। ये बहुत ही खराब लग रहा है मुझे कि उसने ऐसा क्यों करा। उसे तुरंत जाना था, उसे पता चल चुका था कि पीछे गाड़ी मेरे क्रैश हो रही है, ये सबूत मैं दे रहा हूं 100%। मैं तेरे को बता रहा हूं, जनता तेरे को बहुत ज्यादा फॉलो करती है। एक अच्छा एग्जाम्पल बन, एक अच्छा इंसान बन कि लोगों को देख के लगे कि भाई ऐसा करना है लाइफ में, ये अचीव करना है लाइफ में। तू टिकटॉक से ऐसे ऐसे करके तू यहां तक तो पहुंच गया, पर लोगों को तू क्या दिखा रहा है? लोगों को दिखा रहा है कि भाई एक्सप्रेस हाईवे पे व्हीली मारना ठीक है, एक्सप्रेस हाईवे पे
या इतनी भयंकर इतनी महंगी सुपर बाइक, इतनी पावरफुल सुपर बाइक लेके टी शर्ट और बनियान पहन के चलाना ठीक है? यही चीज दिखा रहा ना तू, यही चीज तू दिखाता आया है, यही चीज से लोग प्रभावित हो रहे हैं। बहुत ही छोड़ यार, तू भग जाए ऐसे यार।